तो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में पहला लॉ ये है, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता। पता लगे यूरेनियम ने टूटना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया फिशन का, आपने पानी घेर दिया कि चलो शायद रुक जाएगा, वो नहीं रुकता। प्रेशर इंक्रीज कर दिया, नहीं रुकता। तो इसका टेम्परेचर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, ये जब कोई एटम टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है, मान लो लाखों एटम है, कोई तो टूटेगा पहले, तो जब वो टूटेगा वो लॉ ऑफ चांस फॉलो करेगा। लॉ ऑफ चांस का मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसका नंबर पहले आएगा टूटने का, तो किसकी कितनी लाइफ है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे ही एटम के अंदर भी कौन पहले जाएगा ये पता नहीं है, चांस की बात है। ठीक। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एटम आइदर एल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा निकलेगा, या बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स आर नेवर एमिटेड साइमल्टेनियसली, इकट्ठे अल्फा बीटा ही निकलेंगे, या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा या गामा निकलेगा, एक एक करके निकलेंगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम एन एटम विल नॉट एमिट मोर देन वन अल्फा पार्टिकल। पता लगे 10 अल्फा पार्टिकल इकट्ठे निकल गए, नहीं 10 इकट्ठे नहीं है, हाँ ऐसा निकल सकता है, एक न्यूक्लियस छोटे में कन्वर्ट हुआ एक अल्फा, फिर और छोटे में एक और अल्फा, एक और अल्फा, एक और, अलग अलग हर टूटने में एक अल्फा, ऐसे नहीं कि 10 अल्फा इकट्ठे निकल गए। इसका दूसरा रूल है। तीसरा, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, जब एक अल्फा पार्टिकल एक एटम में से निकलता है तो वो एक नया न्यूक्लियस बनता है, विल चेंज इट इनटू अ न्यू एटम, एक नया एटम बनेगा हुज चार्ज नंबर रिड्यूस बाय 2 एंड मास नंबर रिड्यूस बाय 4। इसको ऐसे समझेंगे, मान लो ये आपके पास एक्स ए जेड एक एटम था, इसमें से आपने अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, ये रहा आपका अल्फा पार्टिकल, तो इसमें से एक नया एटम बनेगा, वो नया एटम क्या होगा, उसका ए जो है 4- होगा और जो जेड होगा वो 2- होगा। तो इक्वेशन बैलेंस कर रहा हूँ, तो जो नया बनेगा एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर 4 रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला रूल है एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, जो बीटा पार्टिकल होते हैं ना उसको ऐसे लिखते हैं e₀-1, तो बीटा पार्टिकल में से जो नया एटम निकलेगा उसके ए को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर जेड विल बी इंक्रीज बाय 1, क्योंकि -1 की वजह से जेड +1 हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, चार्ज नंबर इज रेज्ड बाय 1 विदाउट एनी चेंज इन मास नंबर। तो ये नेक्स्ट रूल है इसका, इसको काफी डिस्कस हम डिटेल में करेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, क्या रूल है, कि नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, कितने एटम टूटते जा रहे हैं एक सेकेंड में एट एनी इंस्टेंट, इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। मतलब जितना जेब में पैसा उतना ही खर्चा, 10 लाख रुपए हैं तो उसके हिसाब से खर्चा, 10 रुपए हैं उसके हिसाब से खर्चा, 10,000 है उसके हिसाब से खर्चा। ये ना कहें कि मैं पहले बहुत रईस हुआ करता था, आज एट एनी इंस्टेंट आज आप कैसे हैं उसके हिसाब से खर्चा। तो मतलब कि नंबर ऑफ एटम तो लाखों थे पहले, करोड़ों थे, आज कंटेनर में सिर्फ 100 एटम रह गए तो रेडियो एक्टिविटी स्लो चलेगी, 10 रह गए सालों साल चलेगी, 2 रह गए पता नहीं कब टूटेगा, कई साल लग जाएंगे, लेकिन आज अगर 1 करोड़ एटम्स हैं तो फटाफट रेडियो एक्टिविटी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम सैंपल के पड़े होंगे रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस उतना ही तेज हो जाएगा। पर जब वो खत्म होते जाएंगे रेडियो एक्टिविटी का जो रेट है वो थोड़ा कम होता जाएगा, डिसइंटीग्रेशंस कम होते जाएंगे। समझ में आ रहा है यहां तक। तो यही रूल है। तो मतलब कि सपोज करो आपके पास एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 शुरू में नंबर ऑफ एटम कितने थे, एन नॉट, एन नॉट, एंड एट टाइम टी सेकेंड नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हैं, एन। तो ये क्या चीज है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट बचे हुए हैं, और ये क्या है, कितने इनिशियली थे, ये इनिशियली है और ये लेफ्ट है। राइट, क्लियर है यहां तक। तो आज आपके पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एन है, पहले कितने हुआ करते थे, एन नॉट। तो आपने खर्च कितने दिए, डिसइंटीग्रेट कितने हो गए, एन नॉट माइनस एन गए। ठीक है यहां तक। तो डिसइंटीग्रेशन का रेट क्या है, टूटने का रेट क्या है एटम का, dN बाय dt, और माइनस साइन का मतलब क्योंकि रेट कम हो रहा है इसलिए साइन नेगेटिव है। तो इसमें रूल क्या कहता है, माइनस dN बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू एन, एन का मतलब आज अभी कितने प्रेजेंट है टी टाइम पे, तो टी टाइम पे कितने प्रेजेंट है एन, तो माइनस dN बाय dt प्रोपोर्शनल टू एन। अब एक और प्रॉब्लम है, जिसके जेब में 10 लाख वो खर्चता ही नहीं कुछ नहीं, कंजूस आदमी है फिर क्या करोगे आप,
पे तो रूल फेल हो गया ना, और जिसके जेब में 10,000 है वो खरीद देता है, यानी कि बंदे पे डिपेंड भी करता होगा, सिर्फ पैसे पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसी तरीके से एटम किसका एटम है उस पर डिपेंड कर रहा है कि कोई कम एटम में भी ज़्यादा रेट दे रहा है, कोई बहुत एटम होने के बावजूद भी रेट कम दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगेगा लैम्डा, जो एटम को बता रहा है कि एटम कैसा है। राइट, क्लियर है? तो अगर लैम्डा बड़ा होगा रेट तेज होगा, लैम्डा कम होगा रेट कम होगा। इस लैम्डा को बोलते हैं डीके कॉन्स्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो यहां से काम करो, डीएन वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। तो एक काम करो, इंटीग्रेट करो दोनों साइड्स को, 1/n dn की इंटीग्रेशन log ऑफ n और इसकी माइनस लैम्डा टी, और कॉन्स्टेंट सी लगेगा। जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है तो नंबर ऑफ एटम कितने थे, n नॉट, इसमें पुट कर दो। जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, n नॉट। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, log ऑफ n नॉट। तो इस c को log ऑफ n नॉट को यहां पुट कर देंगे, ये रहा, तो ये टर्म आ गई। log वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। तो इसमें log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस log ऑफ सेकंड टर्म इज log ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। log जब राइट साइड पे जाएगा तो मेडिकल के लोग देख लें, तो ये log जब राइट साइड पे जाता है तो ये जो बेस है ना वो यहां आ जाएगा यहां पे, और ये पूरा नंबर की पावर बन जाती है। तो ये आपके पास n नॉट राइट साइड पे चला के इसको बॉक्स में डालेंगे, ये एक फॉर्मूला बन गया न्यूमेरिकल्स के लिए, वेयर n इज नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, अभी कितने हैं, और ये क्या थे, नंबर ऑफ एटम जो क्या थे, इनिशियल थे। लैम्डा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि 10 दिन के बाद बताओ नंबर ऑफ एटम कितने बचे हुए हैं, आप टाइम को 10 दिन पुट कर देना, एन आ जाएगा। 3 मिनट के बाद कितने हैं, आप टाइम को 3 मिनट पुट कर देना, आंसर है। तो एन का मतलब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का फॉर्मूला क्लियर है। अब जब इस फॉर्मूले को देखते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैथ्स के लोग समझते हैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, मेडिकल के याद करेंगे। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ एटम कितने थे, एन नॉट, फिर कम होते गए होते गए होते गए, तो रेडियो एक्टिविटी कभी रुकती नहीं है, इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ एटम जीरो कभी होते ही नहीं है, जब एक दो एटम बच गए तो रेडियो एक्टिविटी कई साल तक चलती रहती है। तो इसका ग्राफ याद रखना है नंबर ऑफ एटम्स का डिसइंटीग्रेशन का विद टाइम। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को डिफाइन किया गया है। तो डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को कैसे डिफाइन किया, कि यहां पर टी इज इक्वल टू 1/λ, मतलब n की वैल्यू जो है वो क्या है, n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो अगर मैं टाइम को 1/λ पुट करता हूं, यानी कि टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, तो जब मैं यहां पुट करूंगा 1/λ से लैम्डा कैंसल, तो -1 आएगा, तो ये नीचे चला जाएगा। तो डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वो टाइम का रेसिप्रोकल है जब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट इज टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय ई कॉन्स्टेंट। तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आती तो नहीं है, बस हाँ पता होना चाहिए, पर वैसे इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस है क्या बेसिकली। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो